जीवन में सफलता पाने एवं अच्छे परिणाम के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें कुछ उपाय करने चाहिए, जिससे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। हमारे सनातन धर्म में भी ब्रह्म मुहूर्त को एक महत्वपूर्ण और पवित्र समय माना गया है। इसके अलावा शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। इस समय व्यक्ति स्नान करके परमात्मा का ध्यान करता है तो उसके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं ज्योतिष आचार्य ने लोकल 18 को बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ही उत्तम समय माना गया है। तो आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमें जीवन में सफलता हासिल हो सके और किस प्रकार हमें प्रभु का आशीर्वाद मिल सके। सूर्योदय के पूर्व लगभग 4 बजे से 5:30 बजे का ये जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। प्रातः काल जब हम सोकर के उठते हैं, तो सोकर के उठने के साथ ही हमको एक मंत्र बिस्तर पर हमारे पलंग के ऊपर ही पढ़ना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेद गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करके हमको हमारी हथेलियों के दर्शन करना चाहिए और उस हथेली में ऊपर की ओर लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, नीचे भगवान नारायण का हमको ध्यान करते हुए इसके पश्चात विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श में क्षमस्व में, ऐसा कह करके भूमि को, पृथ्वी देवी को हमको प्रणाम करना चाहिए। यदि हम ऐसा प्रातः काल उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो निश्चित ही धन लाभ होता है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, यश कीर्ति की हमको प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की, तो यह प्रातः काल का जो समय है ये अद्भुत समय कहा गया है। जो हमारे भगवान है, जो हमारे देवी देवता है, भ्रमण करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। तो ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत उत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इस समय सर्वाधिक पॉजिटिव वेव्स जो हैं, तरंगे जो हैं, वो बहती हैं। तो इन सकारात्मक ऊर्जा का हम पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धार्मिक कृत्य हम करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, अर्थात परमात्मा का समय। यह समय ईश्वर का समय है ब्रह्म मुहूर्त। तो उस समय में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके धुले हुए वस्त्रों को धारण करके अपने आराध्य देव का, अपने इष्ट देव का चिंतन मनन करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए। इसके साथ ही साथ नवग्रह का भी ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें, गुरु मंत्र का जो है जप करना चाहिए। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के साधना करता है, जो अपनी मंत्र साधना करता है, जो योग साधना करता है, वह जो जातक है उसको उत्तम परिणाम की प्राप्ति होती है और अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिस सिद्धि के लिए वह जब साधना कर रहा है, निश्चित ही वह अभीष्ट सिद्धि की उसको प्राप्ति होती है। और यह तो हो गया हमारा धार्मिक और पौराणिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ब्रह्म मुहूर्त का समय देखें तो बिल्कुल स्वच्छ निर्मल वायु बहती है। उस वायु में इस समय सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इस समय यदि हम भ्रमण करने जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा बहती है। और यदि हम भ्रमण करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या इत्यादि करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो उस ऑक्सीजन की अधिक अवस्था के समय में यह सब क्रिया करते हैं तो हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, हमारा रक्त संचार और हमारा रक्त भी शुद्ध होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है।